अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? चलो, आज का जो हमारा टॉपिक है इनुमेरेशन इन सी प्लस प्लस, और दूसरा टॉपिक है जनाब सी प्लस प्लस का हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इनुमेरेशन इन सी प्लस प्लस। सबसे पहले इनुमेरेशन इन सी प्लस प्लस क्या होता है? देखिए, हमारे हमने जैसे आपको बताया, पहले ही पढ़ाया है कि हमने यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आपको पढ़ाया था। पहले स्ट्रक्चर पढ़ाया, फिर लास्ट सेशन में मैंने आपको यूनियन पढ़ाया, फिर हम इनुमेरेशन पढ़ाते हैं। इनुमेरेशन क्या होता है? ये एक यूजर डिफाइंड टाइप का डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर इसकी जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। यानी कि ये इस तरह से कर लें कि स्ट्रक्चर में क्या होता था, डिफरेंट डेटा टाइप्स के डिफरेंट डेटा टाइप्स के को हम ग्रुप करके रखते थे ना, ऐसे ही होता था। और यूनियन में क्या होता था कि डिफरेंट डेटा टाइप को हम ग्रुप करके रखते थे, और उसमें स्ट्रक्चर में क्या होता था, डिफरेंट डेटा टाइप को जब हम ग्रुप करके रखते हैं तो उसकी जो टोटल साइज होती थी वो स्ट्रक्चर की वेरिएबल की साइज होती थी। इस तरह यूनियन में क्या होता था, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम ग्रुप करके रखते थे, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी डेटा साइज की जो साइज होती वो यूनियन की साइज होती। इनुमेरेशन के अंदर यानी इनम का के फंक्शन के अंदर, जो ये यूजर डेटा टाइप की थर्ड पार्ट, इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जो इसकी वैल्यूज होगी वो होती है कॉन्स्टेंट, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होगी। वो किस तरह से होती है, अभी मैं आपको इन डिटेल समझा देता हूँ, प्रोग्राम से भी समझाऊंगा और एग्जाम्पल से भी समझाऊंगा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट वैल्यू को स्टोर करवाते हैं, लेकिन हर वैल्यू जो होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। कॉन्स्टेंट का मतलब जो तब्दील नहीं होती, यानी इसके अंदर जो चीज भी हम डिफाइन करेंगे वो कॉन्स्टेंटली होगी, लेकिन जब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे तो वो अपनी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। यानी कि किस तरह से इसकी वैल्यू कॉन्स्टेंट होती है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे इसका सिंटैक्स इस तरह है, सिंटैक्स बिल्कुल उसी तरह से है, यानी कि आप सबसे पहले इनम लिखेंगे, यानी आपने लिखना है इनम, ठीक है। इनम के बाद इसका सिंटैक्स मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। इसका सिंटैक्स क्या होगा, यहाँ पर मैं इसका सिंटैक्स लिखता हूँ, इसका सिंटैक्स क्या होगा, ठीक है, इनम लिखेंगे। उसके बाद इसका आइडेंटिफायर लिखेंगे, भाई इसका नाम क्या होगा, ठीक है। उसके बाद इसकी आइडेंटिफायर होगा, ठीक है। आइडेंटिफायर के बाद फिर इसके अंदर वैल्यू सेट करेंगे जो कि कांस्टेंट होगी। वो किस तरह से सेट करेंगे, वो एक कर ले ब्रैकेट के अंदर सेट करेंगे। सपोज करें हमने कौन कौन सी वैल्यू, सपोज करें हमने वीक डे को सेट करवाना है, जैसे आज से स्टार्ट हो रहा है डे हमारा मंडे, ठीक है। अच्छा, इसको सेट किस तरह से करवाएंगे, इस तरह से कॉमा देंगे, मंडे ट्यूजडे, ठीक है। उसके बाद हम सेट करवाएंगे वेडनेसडे, ठीक है, इस तरह से आप कॉमा दे देके इसकी वैल्यू को सेट करवाएंगे। उसके बाद थर्सडे, ये थर्सडे, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे फ्राइडे, ये इसकी आप वैल्यू वीक पूरी वीक का वो आप सेट करवा रहे ना, और यहां पर आप करते हैं सैटरडे, और लास्ट में आप इसको सेट करवा दे संडे। लेकिन जब आप खत्म करेंगे तो ये यहाँ पे खत्म होंगे, तो अब यहाँ पर कॉमा नहीं लगा, ये सब कॉमा लगा, तो यहाँ पे इसके आप ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर आप इसका सेमी कॉलन लगा देंगे, ठीक है। तो ये आपने इसकी वैल्यू डिफाइन की। अब इस वैल्यू को जो आपने डिफाइन कर दी, जैसे मैंने आपको बताया ये एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, और जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में। इसमें क्या होगा, जैसे ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये जीरो से हो रही है, ये वन से हो रही है, ये टू से हो रही है, ये थ्री से हो रही है, ये फोर से हो रही है, ये फाइव से हो रही है, ठीक है, और ये सिक्स से। लेकिन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका वेरिएबल अगर डिफाइन करना है तो ये इसको हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। सपोज करें हमने ई नम के नाम से, यानी ई नम के नाम से हमने इसका आइडेंटिफायर नेम हमने ले लिया, सपोज डेज, क्या लिया हुआ हमने डेज, ठीक है, क्लियर। और ये यहाँ से स्टार्ट ओपन कर रहा है, लेकिन जब इसका वेरिएबल बनाएंगे तो हम वेरिएबल किस तरह से बनाएंगे, हम इसी तरह से बनाएंगे जिस तरह हम स्ट्रक्चर वगैरह में बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर की टाइप है, सब कुछ उसी तरह से हम डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर आएगा हमारा डेज, ठीक है, यहाँ पर हम डेज को लिख देते हैं, ठीक है। डेज लिखने के बाद हम सपोज यहाँ पे डी लिख देते हैं, ठीक है, ये हो गया इसका वेरिएबल। यानी डी क्या हो गया, इसका वेरिएबल। हम वेरिएबल को यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते थे जैसे हम स्ट्रक्चर या यूनियन में डिफाइन करते थे, लेकिन अब हम क्या चाहते हैं, अब हम किसी इसकी कांस्टेंट वैल्यू को डिफाइन करते हैं। तो ये सीरीज कहाँ से स्टार्ट हो रही है इसकी कांस्टेंट की, ये है ना इसकी वैल्यू,
ठीक है, ये कांस्टेंट टाइप है लेकिन इसकी कांस्टेंट फॉर्म में, कांस्टेंट फॉर्म लेकिन इसकी वैल्यू क्या है, वो न्यूमेरिकन 0 1। तो सपोज करें मुझे क्या करना है, वेटनेस डिपेंड करना है, तो मैं इसको इनिशियलाइज किस तरह से करूंगा, मैं डी इज इक्वल्स टू यानी इस तरह से, यानी कि वेरिएबल डी इसको मैं इनिशियलाइज, मुझे क्या प्रिंट करवाना है, डी वेटनेस डे, तो मैं इसको कॉल कर लूंगा डब्ल्यू ई डी वेटनेस डे और इसको सेमी कॉलन और इसको सिंपल प्रिंट एफ में प्रिंट करवा दूंगा। तो जनाब ये क्या होगा, ये वेटनेसडे प्रिंट। अब ये जो वेटनेसडे वो कहाँ आ गई है, डी के अंदर। अब जब मैं जब डी को प्रिंट करवाऊंगा, डी के वेरिएबल को जब मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंट एफ के अंदर, तो वो क्या करेगी, वो ये वेटनेसडे प्रिंट नहीं करेगी बल्कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगी, जैसे जो के कॉन्स्टेंट टाइम में, यानी कि जितने हम तो क्या करते हैं इनम के अंदर एक कांस्टेंट टाइप का डेटा टाइप बनाते हैं जिसमें उसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट टाइप की होती है, लेकिन जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में, तो ये उसकी न्यूमेरिक फॉर्म की वैल्यू को, न्यूमेरिक फॉर्म की जो भी वैल्यू होगी उसको प्रिंट करवा देंगे। किस तरह से करवाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, क्लियर। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या होता है, ये थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखिए अब तक जितने भी हमने वेरिएबल्स बनाए, चाहे हमने एरे में वेरिएबल बनाए, चाहे स्ट्रिंग में बनाए या नॉर्मल डेटा टाइप में वेरिएबल बनाए, वो क्या होती है, वेरिएबल हमारे कंप्यूटर की लोकेशन पे फिक्स होती है। मिसाल के तौर पर सपोज हम एक एरे बनाते हैं इंटीजर के अंदर ना, एक इंटीजर के अंदर हम एरे बना लेते हैं, जैसे इंटीजर है, ठीक है, हमने एक एरे बना लिया मार्क्स का, ये 10 स्टूडेंट के मार्क्स हमने एंटर करवाने, सपोज हमने मार्क्स का एक एरे बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर हमने वैल्यू दे दी कि भाई 10 स्टूडेंट के हमें मार्क्स है। तो ये क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी में क्या होता है कि इसको एक फिक्स साइज मिल जाती है और एक फिक्स एड्रेस मिल जाता है, ऐसे ही होता है ना। लेकिन हम अपनी मर्जी से, अगर कंप्यूटर की मेमोरी में अपनी मर्जी से लोकेशन को किसी भी वेरिएबल की लोकेशन को एड्रेस करना चाहते हैं, उसकी साइज देना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं जनाब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। क्लियर हो गई जनाब, यानी क्या बोला मैंने कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में कि जितने भी डेटा टाइप अभी तक हमने यूज किए हैं, चाहे वो इंटीजर हो चाहे स्ट्रिंग हो, उसमें जब हम वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, वेरिएबल में जो भी वैल्यू डिफाइन करते हैं, तो क्या होता है कंप्यूटर की मेमोरी में उसको फिक्स साइज और फिक्स एड्रेस मिलता है। लेकिन रन टाइम के ऊपर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या होता है कि रन टाइम के हम किसी भी वेरिएबल को अपने हिसाब से, अपने साइज के मुताबिक उसकी वैल्यू को फिक्स कर सकते हैं, उसकी लोकेशन को फिक्स कर सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, और अगर हमें नहीं चाहिए तो उसको किसी फ्री करके हम किसी और भी फंक्शन में, किसी और भी प्रोग्राम में उसके वेरिएबल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर 4 फंक्शन होते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो मैं इसको इंशाल्लाह आगे डिफाइन करता हूँ अभी आपको जैसे है। तो अभी हम फिलहाल इनम के अंदर चलते हैं, जो मैंने आपको समझाया कि इनुमेरेशन क्या चीज होती है, इनुमेरेशन में क्या होता है, ये एक यूजर डिफाइंड टाइप का डेटा टाइप होता है जिसके अंदर हम कांस्टेंट टाइप की वैल्यू को सेट करवाते हैं, जिसमें इसकी वैल्यू क्या होती है वो कांस्टेंट टाइप की होती है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो आगे चलते हैं जनाब, हमें इसके प्रोग्राम की तरफ, थोड़ा एग्जाम्पल की तरफ इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जनाब मैंने जैसे आपको लिखा हुआ है नोट पैड के ऊपर, यहाँ पे आपको नजर आएगा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में जैसे मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया, स्ट्रक्चर में क्या होता था, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम ग्रुप करके रखते थे, और जितने भी वो डेटा टाइप को हम ग्रुप करके रखते थे उसका जो भी साइज था वो स्ट्रक्चर वेरिएबल होता है। यूनियन में भी क्या होता था, डिफरेंट डेटा टाइप्स को हम ग्रुप करके रखते थे, लेकिन जितने भी डेटा टाइप को हम ग्रुप करते उसमें जो डेटा टाइप की जो सबसे बड़ी साइज होती थी वो यूनियन के वेरिएबल की साइज होती है। एनुमरेशन में क्या होता है, एनुमरेशन में हम वैल्यू, जितनी कांस्टेंट वैल्यू को हम फिक्स करते हैं ना, एनुमरेशन जैसे यहाँ पे एनुमरेशन डेफिनेशन में लिख भी रखा है, एनुमरेशन में क्या होता है कि कांस्टेंट वैल्यू जो होती है ना, कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट फॉर्म में होती है, जिसमें कांस्टेंट इसमें इसकी जो वैल्यू जो होती है कांस्टेंट टाइप की होती है, यानी कि एक सीरीज बनाते हैं तो वो एक कांस्टेंट टाइप में होती है जो कि जिसमें उसकी जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है। तो ये चीज होती है जनाब, तो इसमें सबसे पहले उसका प्रोग्राम हम डिप्स के अंदर चल के आपको समझाते हैं, तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं और उसके अंदर आपको समझाने की कोशिश करूंगा मैं, इंक्लूड ठीक है एसटी, एक मिनट ठीक है, आयो डॉट एच डॉट एच, ठीक है क्लियर। इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा टाइम बचे हमारा,
उसके अंदर जनाब हम ले लेते हैं इसके अंदर। अच्छा मेन से पहले सपोज हम इनम यूज करते हैं, ठीक है, इनम स्पेस इसका आइडेंटिफायर सपोज एक डेज का बना रहे हैं ना, ये डेज है, इंटर, क्लियर, इनम के डेज का हमने बना लिया, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू क्या सेट करवाते हैं, जैसे हमने मैंने आपको कहा था मंडे, ठीक है, मंडे के पास ट्यूजडे, ट्यूजडे के बाद क्या सेट करवाना है, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, उसके बाद जनाब फ्राइडे, फ्राइडे उसके बाद सैटरडे, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास संडे, ऐसे ही है ना। अब जब इसको क्लोज करेंगे हम, ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, जब हम इसको क्लोज करेंगे तो यहाँ पर हम एज अ टेस्ट जिस तरह हम स्ट्रक्चर में या यूनियन में सेमी कॉलम लगाते थे उस तरह, तो ये जो हमने एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप जो बनाया है इनम का, उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज को सेट करें, इसके अंदर जो भी वैल्यूज है वो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है ना, तो ये जीरो है, ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, ये फाइव है, ये सिक्स है। तो अब हम क्या करते हैं, इनम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, वो किसके अंदर बनाएंगे, हम मेन के अंदर बनाएंगे, ठीक है, हमने मेन के अंदर इसका वेरिएबल बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसका वेरिएबल बना लिया यानी इनम, ठीक है, डेज और उसका वेरिएबल, सॉरी डेज और उसका वेरिएबल बना लिया डी, क्लियर। अब हम क्या करते हैं कि डी, ये तो हमने डी बनाया, अब हम इस डी के अंदर हमें क्या प्रिंट करवाना है, ये वेडनेसडे, तो हमने इस वेडनेसडे को इस डी के अंदर ट्रांसफर कर दिया, अब इसको प्रिंट करवाना है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि ये इनम के अंदर क्या, ये हम कॉन्स्टेंट टाइप का की वैल्यू को सेट करवा दिया ना हमने, जिस जो के ये नहीं, ये कॉन्स्टेंट ये इसके जो डिफरेंट वैल्यूज है वो किसमें, कॉन्स्टेंट टाइप की, इसके जो वैल्यू होती है इनम के अंदर ये कॉन्स्टेंट टाइप के, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। अब जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा, जो कि न्यूमेरिक फॉर्म यानी इंटीजर में जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, तो वो इसकी सीरीज को देगा यानी नंबर को दे देगा, वो किस तरह से, जब मैं प्रिंट करवाऊंगा प्रिंटफ, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखा, मैंने ये लगाया पर्सन डी, ठीक है, पर्सन डी कॉमा, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिंपल क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया डी, ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, प्रोग्राम को होल्ड करवा देता हूँ मैं, गेट सी एच और यहाँ से रिटर्न, क्लियर। मैं फाइल पे जाकर इसको सेव कर दूँ, इनम फर्स्ट, ठीक है, क्लियर है, एनी प्रॉब्लम। ये हमने इनम का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बना दिया जिसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है और जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 0, 1, 2, इसका रिजल्ट आएगा 2। इसको हम सिंपल कंपाइल करते हैं और देखें, जैसे ही मैंने इसको रन किया इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके सामने, यानी इसकी सीरीज क्या है, 2। आप अपनी मर्जी से भी सीरीज बना सकते हैं, अपनी मर्जी से सीरीज किस तरह से बना सकते हैं, अब भी अपनी मर्जी से सीरीज आप सिंपल इस तरह से बना सकते हैं कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे सेट करवा दिया इक्वल्स टू 1, यानी मंडे इक्वल्स टू 1, तो अब इसकी सीरीज क्या आएगी, यानी अब ये 1, 2 और ये अब किस पे आ गई, 3। अब जरा देखिए प्रोग्राम को सेट, आप अपनी मर्जी से भी इसकी वैल्यू, ये होता है न्यूमेरिक जो कि कांस्टेंट फॉर्म, कांस्टेंट टाइप में, कांस्टेंट टाइप का एक हमने बनाया हुआ है, ठीक है, डेटा टाइप, लेकिन उसके जो वैल्यू होती है वो किस में होती है, न्यूमेरिक, तो हमने न्यूमेरिक दिया। अब जरा मैं इसको चेंज करवाता हूं, अब क्या 1, 2, 3, ये देखें क्या आ रहा है, 3। अब अगर मैंने इसकी वैल्यू सेट करवा दी मिसाल के तौर पे कि भाई अब सीरीज स्टार्ट करो 5 से, तो अब ये किस पे एंड करेगा, 5, 6, 7, 8, 9। हम मैं फ्राइडे को करवा रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ला के रख दिया इस जगह इसकी वेरिएबल पे फ्राइडे, सिंपल फ्राइडे, ठीक है। अब जब मैंने इसको सेव किया, अब मैं कंपाइल करता हूँ, अब मेरा रन करता हूँ, अब किस पे आ रहा है ये, 9 पे, 9 पे कैसे आ रहा है फ्राइडे भाई, 6, 7, 8, 9, क्लियर हो गई जनाब, इनम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। यानी इनम क्या करता है, इनम के हम एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है जिसके अंदर हम डिफरेंट वैल्यू को सेट करते हैं जो कि कांस्टेंट टाइप की वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है, क्लियर। अब हम जनाब इसमें एक प्रोग्राम और सेट करवाएंगे जिसके अंदर हम इनकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाएंगे, इसके अंदर जो भी सीरीज है ना वैल्यू, हम उसके बना लेते हैं मंथ्स का, जैसे मिसाल के तौर पे हम एक मंथ्स का बना लेते हैं, ठीक है। मंथ्स में क्या करते हैं, यहाँ पे सपोज हम कर लेते हैं जनवरी, यहाँ पे लिख देते हैं फेब्रुवरी,
यहाँ पे लिख देते हैं मार्च, यहाँ पे लिख देते हैं अप्रैल, यहाँ पे लिख देते हैं मई, यहाँ पे जून, यहाँ पे जुलाई, यहाँ पे अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, ठीक है, नवंबर, ठीक है, और लास्ट में दिसंबर। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? इन हम हमने मंथ्स के नाम से बन। अब हम क्या करेंगे, अब इनने इसकी सारी वैल्यू सेट करी है। कहाँ से स्टार्ट हो रही है? जीरो से स्टार्ट हो रही है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी इसकी जितनी भी वैल्यू वो सब हमने प्रिंट करवानी है। तो वो कैसे करवाएंगे प्रिंट? बहुत ही सिंपल है। सिंपल हम क्या करेंगे, हमने इस प्रोग्राम को थोड़ा सा हटा देना, डिलीट कर देना। हम इसके लूप के अंदर इसके भाई ये वैल्यू हमने यूजर डिफाइंड में सेट करवाई है इनम में, ठीक है। ये रेफरेंस की वैल्यूज है जो कि इसकी जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में इसकी वैल्यूज है। तो न्यूमेरिक फॉर्म में इसकी जितनी भी वैल्यूज है मुझे इसकी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा जनाब, मैंने करना कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मैंने इंटीजर के अंदर एक आई का वेरिएबल लेना है, ठीक है, और मैंने एक लूप चला देना है सिंपल। फॉर, फॉर में आई इज इक्वल्स टू, मैंने कर देना है चैन फॉर्म सेमी कॉलन, आई लेस देन इज इक्वल्स टू कहां तक चले भाई, डीईसी दिसंबर तक कॉमा, और जब जब ये चले यानी कहां से कहां तक चले, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चले, और जब जब चले ये एक एक को इजाफा कर दे, ठीक है। हमने मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी और यहाँ पे मैंने सिंपल प्रिंट ऑफ करवा दिया, प्रिंट ऑफ परसेंट डी कॉमा, और यहाँ पे मैंने आई को रख दिया। तो अब ये क्या करेगा, इसकी सारी वैल्यूज को ये प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये देखें सिंपल सेव किया मैंने, इसको थोड़ा ऊपर कर लेता है ताकि आपको और ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। फाइल पे गया मैं, इसको मैंने कर दिया सेव, इसको किया जनाब मैंने कंपाइल, प्रोग्राम कंपाइल है। अब इसकी सारी वैल्यूज को शुरू कर देगा, ये देख आ रही है 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड यानी 0, 0 to 11, यानी 0 पे जनवरी सेट है, 12 पे। तो ये जनाब होती है जनाब इनम का फंक्शन। अब एक और ऑप्शन सा होते हैं, अब हम सिलेक्शन का एक प्रोग्राम बनाते हैं इनम में। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, यानी अभी तो आपने देख लिया ना, पहला प्रोग्राम हमने ये बनाया कि हमने वीक डेज के नाम लिखे, 7 वीक डेज के नाम लिखे, वैल्यू को सेट करवाया, और जो कि उसकी वैल्यू न्यूमेरिक फॉर्म में होती है इनम की, तो उसकी हमने जो भी वैल्यू था उसको स्पेसिफिक वैल्यू को हमने जो डेज से वेटन से जिस डेज पे था हमने उसको प्रिंट करवा दिया। अब इस सेकंड प्रोग्राम के अंदर क्या किया कि जो जो वैल्यू जहां जहां यानी एक मंथ का प्रोग्राम का जनवरी किस वैल्यू के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू के अंदर सेट थी उसकी पूरी वैल्यू मैंने सीरीज को प्रिंट करवा दिया थ्रू द लूप। अब मैं एक सिलेक्शन बनाऊंगा यानी कलर की सिलेक्शन का, रेड ब्लू ग्रीन में 3 फेवरेट कलर है सपोज। तो मैं यूजर से चूज करवाऊंगा कि अगर वो वन को सिलेक्ट करेगा तो वो वन का कलर, योर फेवरेट कलर इज रेड, या 2 पे मैंने ग्रीन रखा हुआ है, 3 पे मैंने ब्लू। तो अब मैं अपनी 3 फेवरेट कलर को मैं रखूंगा, 4 रखूंगा, जितने भी आप चाहे। तो यूजर जो भी उसको सिलेक्ट करेगा वो उस का मैसेज आएगा योर फेवरेट कलर इज वो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं यूज स्विच स्टेटमेंट यूज करूंगा, जहां बात सिलेक्शन की आती है तो वहां पे हम आपको पता है सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट का जो फंक्शन है स्विच के सिस्टम में हम यूज करते हैं। तो वो किस तरह से यूज करेंगे वो भी बहुत सिंपल है। उसके लिए इनम के अंदर सपोज मैं एक प्रोग्राम बना लेता हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं कलर्स के नाम से ना, एक मिनट, कलर्स के नाम से बना रहा हूँ और इसके अंदर कलर सेट करवा देता हूँ कि भाई मेरा फेवरेट कलर सबसे पहले तो रेड है, ठीक है, दूसरा मेरा फेवरेट कलर है ब्लू, तीसरा है मेरा फेवरेट कलर वो है ग्रीन सपोज किया, ये 3 मेरे फेवरेट कलर है, या चौथा भी करना है तो मैं चौथा भी दे देता हूँ, चौथा है मेरा फेवरेट कलर, वैसे तो ब्लैक है, मैंने ब्लैक को इनहेरिट हो जाएगा उस पर मैं पिंक कर देता हूँ। तो ये 4 मेरे फेवरेट कलर है जनाब, ठीक है, नहीं तो ये तबीयत भी सेट नहीं है, नहीं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से समझाने की एग्जाम्पल से, ठीक है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है जनाब। तो ये हो गया 4। तो ये इनम के अंदर मैंने ये 4 कलर लिखे, ये जो मैं सिलेक्शन पे मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ठीक है ना, तो ये चीज मैं बना लेता हूँ इस डायरेक्ट मेन के अंदर ही, मैं इस चीज को बना लेता हूँ, ठीक है, इस मेन के अंदर मैंने यहाँ पे बनाया हुआ, ठीक है। ये मैंने 4 डिफरेंट कलर सेट करवा दिया। अब मैं इसका वेरिएबल भी बना लेता हूँ,
ठीक है ना, वेरिएबल में मैं इसको बना लेता हूँ, ठीक है, फेवरेट कलर के नाम से, ठीक है, ये मैंने वेरिएबल बना दिया, यूजर से मैसेज इनपुट करवा देता हूँ, ठीक है, ठीक है, एंटर योर फेवरेट कलर्स, सॉरी एंटर योर फेवरेट कलर्स, इसमें देता हूँ, वन पे मैंने क्या सेट करवाया हुआ है, वन पे मैंने सेट करवाया हुआ रेड, ठीक है, टू पे मैंने सेट करवाया हुआ है जनाब ब्लू, क्लियर, थ्री पे मैंने सेट करवाया हुआ है जनाब ग्रीन, ठीक है, और फोर्थ पे मैंने सेट करवाया हुआ है जनाब योर फेवरेट कलर पिंक, ठीक है, एनी प्रॉब्लम, इंटर योर फेवरेट कलर इज, इंटर इंटर चूज कर देते हैं ना, चूज योर फेवरेट कलर इज, ठीक है, डबल कोटेशन और यहाँ से सेमी कॉलन, क्लियर है, ये मैंने मैसेज दे दिया, ये मैसेज आएगा, ठीक है, यहाँ पर मैं एक काम और कर लेता हूँ, एक मिनट रुकिएगा जरा प्लीज जी स्टूडेंट्स, फिर क्या करेंगे, फिर आप सिंपल इसको स्कैन अप करवा लेंगे, स्कैन किस तरह से करवाएंगे, सिंपल आपने स्कैन करवाना है, स्कैन अप से आपने कुछ नहीं करवाना है, सिंपल इसको, ठीक है, पर्सन डी कॉमा, ठीक है, एड्रेस ऑफ, ठीक है, और आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल फेवरेट कलर, इसको आपने ले लेना है, ठीक है, और इसको सिंपल स्कैन अप करवा दिया, ठीक है, आपने स्कैन करवा दिया, अब आपने यूजर से क्या करना, अब आपने जो ये वेरिएबल जो आपने यूजर से इसको इनपुट करवाया है, इसका सिंपल आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि अब आपने स्विच केसेस है, ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, हमने स्विच केसेस स्टेटमेंट को यूज करना है, स्विच केसेस स्टेटमेंट के अंदर के वेरिएबल को सेट एक्सप्रेशन कॉल कर देना है, ठीक है, उसके बाद ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, अब हमने इसके केस के अंदर इन चारों कलर को सेट करना है, यानी फर्स्ट केस के अंदर हमने रख लिया, जैसे फर्स्ट केस के अंदर कौन सा कलर है जनाब, हमारा रेड, यहां रेड रख लिया, ठीक है, और हमने क्या मैसेज दे दिया प्रिंटर, और यहां पे लिख दिया हमने योर योर फेवरेट कलर इज रेड, ये हमने टाइप करवा दिया और हमने इसको ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्लियर, उसके बाद फिर हमने स्विच केस स्टेटमेंट यूज किया, और सेकंड पे स्विच केस स्टेटमेंट पे क्या है हमारे पास, सेकंड चूज पे हमारे पास टू है, ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, ठीक है, और टू पे हमने यहाँ पे जो फेवरेट कलर इज कर दिया, ठीक है, थर्ड स्विच केस स्टेटमेंट पे क्या है हमारे पास, थर्ड स्विच केस स्टेट थर्ड कलर हमने कौन सा किया भाई, ग्रीन, तो थर्ड स्विच केस स्टेटमेंट पे हमने यहाँ पे रख दिया, बोथ पे हमारे पास क्या है, बोथ पे हमारे पास है, ठीक है जनाब, ठीक है, अब अगर इन चार कलर के अलावा क्या ना हमारे पास क्या है, इन चार कलर के अलावा सपोज करें अगर हमारे पास कोई और कलर हम देते हैं, ठीक है ना, अगर पिंक के अलावा ब्लू या ग्रीन या कुछ और दूसरा, यानी इन चार नंबर्स है ना, चार नंबर्स की वैल्यू हमने सेट करवाई दी है, ठीक है, इंटर फोर कलर चूज करना है कि 1 2 3 4 5, तो हम सपोज करें कि अब हम सपोज 5 चूज कर लें, तो ये तो नहीं है ना हमारा, तो फिर हम यहाँ पे लिखते हैं डिफॉल्ट, डिफॉल्ट के अंदर हम मैसेज टाइप कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट एफ करवा देते हैं सिंपल, ठीक है, your selections of colors is not selected, not evaluate, ठीक है, करेक्ट कर दे,
इज नॉट करेज। करेक्ट, नॉट करेक्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम इसके ब्रैकेट्स को, स्विच स्टेटमेंट के ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं। लास्ट में हम प्रोग्राम को, ठीक है, बोर्ड करवाते हैं, फाइल से सेव करते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद सिंपल फाइल पे जाते हैं, सेव किया हमने, इसको हम रन करते हैं। रन करने के बाद जैसे एंटर करेंगे तो एंटर, ठीक है, एंटर चूज योर कलर। सॉरी, यहाँ पे एक चीज और दे देते हैं, काम और कर लेते हैं हम। हाँ, मैसेज के अंदर हम यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर स्पेस डाल के, यानी स्पेस के सेव, अब कंपाइल करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हमने चूज में फोर कलर दिया, ठीक है, फोर पे क्या दे रहा है, ठीक है, एंटर चूज योर फेवरेट कलर इस फोर, फोर पे पिंक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि योर सिलेक्शन ऑफ द कलर इज नॉट करेक्ट। चेक करते हैं भाई क्या मसला है, ठीक है, हमने सिलेक्शन पर तो सही दिया था, ठीक है। डिफॉल्ट ब्रेक हमने लिखा हुआ है पिंक, वन केस, एक मिनट, ठीक है, वन टू थ्री, ठीक है, फोर फाइव, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखते हैं हम चल के, प्रॉब्लम कोई इशू नहीं है, ठीक है। हाँ जनाब, फोर पे हमने क्या रखा, बल्कि एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे हमने कॉमा लगाया, ठीक है, जब लास्ट वाला जो कलर है ना वहां पे आपने कॉमा लगाया, एक छोटी सी माइनर सी गलती जिसकी वजह से एक्सेप्ट नहीं किया आपको, ठीक है। अब जरा आपने फोर, अभी भी इसने नॉट कर रहा है, ठीक है, चले जरा हम कर देते हैं, हम कर देते हैं थ्री, ठीक है। अच्छा, वो जीरो से स्टार्ट कर रहा है, सॉरी सॉरी सॉरी, वो जीरो से स्टार्ट करना, अगर हम यहाँ पे वैल्यू वन करवा देते हैं तो अब जरा से देखिए, क्योंकि इसकी सीरीज कहाँ से जीरो वन टू थ्री फोर आ रही है ना, तो फोर पे तो वो जाहिर सी बात है कुछ में, अब मैंने इसकी वैल्यू वन सेट करवा दी, अब ये सेट हो जाएगा, क्योंकि हमने अब इसकी सीरीज वन टू थ्री फोर से स्टार्ट होगी। अब देखिए, जैसे मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया, और अब मैं फोर लिखूंगा तो फोर पे क्या हो जाएगा, मेरा कलर पिंक, ठीक है। अब मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब मैंने रन पे जाकर अब मैंने टू लिखा तो टू पे क्या हो गया, ब्लू। तो ये था जनाब आपके सामने, ठीक है। अब अगर मैं इसके अलावा अगर कोई कलर देता हूँ, अगर मैं फाइव दे देता हूँ तो फाइव पे क्या आएगा कि योर सिलेक्शन ऑफ द कलर इज नॉट करेक्ट, ठीक है जनाब, क्लियर है। तो ये था जनाब हमारे इनुमेरिक। इनुमेरिक क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होता है, जिसके अंदर जो वैल्यू होती है वो कॉन्स्टेंट होती है, लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, वो इंटीजर नंबर के फॉर्म, यानी इंटीजर फॉर्म में होती है। तो यहाँ पर मैंने आपको दे दिया जो मैंने वैल्यू सेलेक्ट किया, यानी नंबर यूजर से मैंने सेलेक्ट करवाए थे, यूजर ने अपने नंबर को सेलेक्ट किया, जो नंबर दिखा उसी कलर को उसने सेलेक्ट किया। क्लियर हो गई जनाब। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जनाब। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है जनाब हमारा, ठीक है, यहाँ पर हमने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस में। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का, जैसे मैंने आपको बताया शुरू में बताया था कि डिफरेंट डेटा टाइप्स जो होते हैं हमारे पास, डिफरेंट डेटा टाइप्स हम लोग डिक्लेयर करते हैं, जैसे हम इंटीजर डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग में करते हैं या एरे में करते हैं, तो जो भी हम उसकी वैल्यू देते हैं तो कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होती है, उसकी वैल्यू भी फिक्स होती है और उसका एड्रेस भी फिक्स होता है। लेकिन हम प्रोग्राम के रन टाइम पे अपनी मर्जी का अगर वैल्यू एलोकेशन करवाना चाहते हैं उसके प्रोग्राम की वेरिएबल्स के ऊपर, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इन सी प्लस प्लस। देखिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जो होता है वो हमारे जो नॉर्मल डेटा टाइप्स जितने भी हम यूज करते हैं उसकी, वो फिक्स सारे डेटा टाइप की जो डिक्लेरेशन होती है वो फिक्स होती है, ठीक है ना। लेकिन अगर हमें अपनी मर्जी का की मेमोरी एलोकेशन करनी है, यूजर की मर्जी, यूजर ने जितने वैल्यू स्टोर करवाने उसकी मर्जी से स्टोर करना, और डिफरेंट ब्लॉक्स में अगर वैल्यू अगर हमें स्टोर करवानी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक जो एलोकेशन के जो हमारे पास हेडर टाइप अब तक जो हम लोग यूज कर रहे हैं स्टूडियो डॉट एच या कोनाइयो डॉट एच, उसके अंदर ये नहीं होती, इसके लिए उसका अलग ही हेडर फाइल होता है। उसका जो हेडर फाइल होता है जिसके अंदर ये फंक्शंस अवेलेबल होती है वो होता है जनाब एसटीडी, मैं बता दूं एसटीडी एसटीडी लिप के अंदर, स्टडी डॉट लिप डॉट एच के अंदर इसके चार मेन फंक्शन होते हैं जिसके अंदर हम मेमोरी को एलोकेशन करते हैं। तो ये चार मेन फंक्शन कौन कौन से होते हैं जो डिफरेंट पर्पस के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करवाते हैं सी प्लस प्लस में। पहला होता है जनाब देयर आर फॉलोइंग फंक्शन, यानी कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले एम अलॉक का फंक्शन होता है, दूसरा होता है सी अलॉक का फंक्शन, तीसरा होता है जनाब री अलॉक का फंक्शन होता है, चौथा होता है जनाब फ्री का। एम अलॉक का फंक्शन का मतलब क्या, का मतलब क्या होता है, मेमोरी एलोकेशन। ये क्या होता है, ये यूजर जो स्पेसिफिक जो यूजर मेमोरी में जो
साइज एलोकेट करवाना चाहता है, ये उसके मुताबिक कंप्यूटर की मेमोरी में, यानी जो यूजर जो जिस वेरिएबल के ऊपर अपनी एड्रेस को एलोकेट करवाना चाहता है, तो ये क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी में एक ब्लॉक बना लेता है, और ब्लॉक के अंदर सपोज यूजर ने 10 बाइट्स की वैल्यू स्टोर करवानी है 20 बाइट की, तो ये उसी हिसाब से जो यूजर देता है उसी हिसाब से ये उसको ब्लॉक को, एम एलोक का जो फंक्शन होता है, ये उसको एक ब्लॉक बना देता है और उस हिसाब से उसकी मेमोरी को रिजर्व कर देता है, सेव कर लेता है। सी एलोक का फंक्शन क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो एम एलोक में क्या होता है कि यूजर जो जितनी यूजर को साइज चाहिए होती है, जितनी स्पेस चाहिए होती है मेमोरी में रिजर्व करवाने के लिए, उसकी जगह एम एलोक वो करता है। लेकिन सी एलोक क्या होता है, कंटिन्यूसली एलोकेशन करता है। कंटिन्यूसली एलोकेशन का मतलब क्या होता है, ये ज्यादातर एरे वगैरह के लिए यूज करता है ना, कि ये एक से ज्यादा जो एलोकेशन करती है, यानी एक ब्लॉक से ज्यादा ये कई ब्लॉक को एलोकेट कर देता है। ठीक है, री अलॉक का मतलब क्या होता है, जैसे एम अलॉक में क्या होता है कि जो यूजर देता है सिर्फ उसी को रिजर्व करता है, सी अलॉक क्या करता है, डिफरेंट ब्लॉक्स को ये करता है। तो री एलोकेशन का मतलब, ये अलॉक का मतलब ये री एलोकेट कर देता है, यानी डायनेमिकली री एलोकेट, यानी उसको कम भी कर सकता है, उसको ज्यादा भी कर सकता है, उसको फिक्स कर देता है। फ्री का मतलब कि जहां पर हमें सपोज एलोकेशन मेमोरी में एलोकेशन नहीं करिए, तो हम वो वहां से उसको फ्री करवा के किसी दूसरी जगह पर उसको टेस्ट करवाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे एम अलॉक का फंक्शन। एम अलॉक का फंक्शन में एक एग्जांपल मैं आपको बता दूं, इसके अंदर क्या करें कि हम यूजर से एक एरे की साइज इंटर करवाएंगे, उनके एरे की साइज इंटर करवाएंगे। साइज इंटर करवाने के बाद उस के कितने साइज की एरे की एलिमेंट होगी, ठीक है, वो इंटर करवाएंगे। फिर उसको हम उसके फिर क्या होगा, कितने भी एलिमेंट उसमें स्टोर करवाना है, एलिमेंट के नंबर सेट करवाएंगे। फिर उसका नंबर को जो सेट करवा के उसका जो फर्स्ट वैल्यू है जो उसको पॉइंटर में हम स्टोर करवा देंगे, क्योंकि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट बाइट जो एलोकेट होता है वो पॉइंटर उसको स्टोर कर लेता है। फिर पॉइंटर से फिर दोबारा से उसको एक पॉइंटर में कॉपी करवाएंगे, और कॉपी करवाने के जितनी भी एलिमेंट हमने एरे के अंदर स्टोर करवाई थी उन सबको लास्ट में सम करेंगे। यानी किस तरह से करवाएंगे मैं आपको समझा देता हूँ, और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा किस तरह से। बेटा मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रोग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, एग्जाम्पल 4 में, तीन एग्जाम्पल तो मैंने आपको लाइव करवा दी। फॉर एग्जाम्पल है प्रोग्राम फॉर एम एलॉग फंक्शन इन, इसमें सिंपल क्या है, वही स्टूडियो, यहाँ पे स्टूडियो स्टडी एल आई लिप, क्योंकि स्टडी लिप के अंदर ये चार फंक्शन होते हैं, एम एलॉग, सी एलॉग, री एलॉग और फ्री। तो उसके अंदर सबसे पहले हमने क्या है, टीचर में एन का लेगा, जो हम यूजर से एरे को इंटर करेंगे, कितने एलिमेंट्स का एरे स्टोर करवाना है, ठीक। फिर उसको जो हमने स्टोर करवाना है उसको एक पीटीआर में, यानी कि एक उसके जो फर्स्ट जो होगी उस जो फर्स्ट उसका जो वैल्यू होगी उसको हम एक इस पॉइंटर में स्टोर करवाएंगे। फिर उसको सम करवाएंगे, ठीक है, फिर सम करवा के उसको लूप चलवाने के लिए आई का वेरिएबल लेंगे, और फिर जो हमने उसको स्टोर करवाया है उसको उठा के फिर हम एक और पॉइंटर में स्टोर करवा देंगे, और पॉइंटर से स्टोर करवाने के बाद उसको सम करवा देंगे लास्ट में, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या हो गया, प्रिंट एफ करवाए में इंटर द साइज ऑफ एरे, के भाई किस साइज का एरे बनाना है, हमने स्कैन अप कर लिया। फिर हमने क्या दिया, जो साइज यूजर ने दिए उसको हमने क्या कर दिया, इस पीटीआर में हमने सिंपल उसके साइज को फिक्स कर दिया, यानी पीटीआर के अंदर हमने इंटीजर लिखा, इंटीजर में उसको एम अलॉक का फंक्शन, और उसको साइज को हमने कास्टिंग करके पीटीआर के अंदर शिफ्ट कर दिया। फिर पीटीआर के अंदर जो हमने जो यूजर ने जो एलिमेंट स्टोर करवाया उसको सेट करवाया है, उसकी हमने एक कॉपी एक और पॉइंटर के अंदर फिक्स करवा दी। फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटर द एलिमेंट इन एरे, कि भाई कितने एलिमेंट स्टोर करवाने, तो हमने कहा भाई 5 एलिमेंट स्टोर, जितने यूजर ने दिए होंगे उतने हमने जितने यूजर ने दिए 5 दिए, 5 एलिमेंट स्टोर करने, तो हमने लूप चला दिया, यहाँ से 5 एलिमेंट को स्टोर करवा दिया स्कैनएफ में। फिर जितने भी एलिमेंट को यूजर ने स्टोर करवाया है, ठीक है, हमने लूप किया, जैसे 5 है, 5 को करवा के उन सबको सम करवा दिया, क्योंकि वो पीटीआर में था, तो पीटीआर को यहाँ पे हमने स्कैनअप कर लिया, और यहाँ से पीटीआर को हमने सम करवा दिया, और जब जब वो चले जो पीटीआर में उसको सम हो गया, तो अभी वो जो भी पीटीआर में जो हमने रिजर्व करवाया था, ठीक है, जो यूजर से जो भी हमने एलिमेंट स्टोर किया उसको पीटीआर में करता, उसको हमने सम करवा के सम में ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद प्रिंट एलिमेंट्स के, प्रिंट को एलिमेंट करवाना है, हमने सिंपल उसको प्रिंट करवा दिया। प्रिंट के लिए हमने क्या कर दिया, सिंपल 4i = 4, और जो यूजर ने किया i++, सिंपली हमने क्या कर दिया, जो हमने वहां से यूजर में स्टोर करवाया था, यानी दूसरे पीटीआर से दूसरे पॉइंटर में, उस पॉइंटर को हमने उसको सिंपल एड्रेस को प्रिंट कर दिया, ठीक है। उसके बाद भाई p++ सिंपल, और फिर प्रिंट एफ करके एडिशन इज जो भी है एडिशन, हमने उसको प्रिंट कर दिया। अब उसको रिजर्व करना है, उसकी मेमोरी को रिजर्व करने के लिए हमने क्या किया कि एक इफ लगाया, इफ ptr = null, अगर उसकी वैल्यू 0 हो जाए तो फिर क्या प्रिंट में मैसेज आए कि प्रिंट एरर
आउट ऑफ मेमोरी और यहाँ से एग्जिट करके प्रोग्राम बाहर आ जाएगा। तो इसका सिंपल इसका आंसर क्या होगा कि सपोज करने इंटर द साइज ऑफ एरे हमने 5 दिया, तो इंटर द एलिमेंट इन एरे किसकी साइज 5 होनी चाहिए, तो 5 के हिसाब से मैंने यहाँ पर 5 एलिमेंट है तो 5 दिया गया होता है, 5 15, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 40 0 to 5 15 होते, तो टोटल एडिशन ये क्या क्या आ गया 15, यानी सारे सम हो गया, यानी 5 6 5 4 9 और 9 और 6 आपके सामने 15, यानी 5 एलिमेंट थे और ये 15 उसकी एडिशन आ गई। तो ये था जनाब हमारा हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास के हवाले से हम दोबारा इसको एक दफा फिर रिव्यू कर लेते हैं। क्लास में आज की क्लास में हमने क्या देखा, आज की क्लास में सबसे पहले हमने इनुमेरेशन देखा, फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, तो मैं डायरेक्ट उसके ऊपर नोटपैड पे आ जाता हूँ, वहां जाकर समझाते हैं। डायनेमिक इनुमेरेशन में क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन में पहला हमने स्ट्रक्चर पढ़ा, दूसरा यूनियन पढ़ा, तीसरा इनुमेरेशन पढ़ा। इनुमेरेशन में क्या होता है कि इनुमेरेशन यूज टू डिफाइन द सेट ऑफ कॉन्स्टेंट, एक इसकी जितनी होती है इसके अंदर क्या होता है, इनुमेरेशन के अंदर सेट ऑफ कॉन्स्टेंट होता है, इसके अंदर जो वैल्यू होती है हमें कॉन्स्टेंट में उसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट के फॉर्म में इसकी वैल्यू होती है, कॉन्स्टेंट में इसकी वैल्यू होती है जो कि न्यूमेरिक फॉर्म में होती है। फिर वो हमने देखा, फिर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखा, ठीक है, कि मेमोरी को किस तरह से एलोकेशन करवा सकते हैं यूजर से, किस तरह से हम इनुमेरेशन का फंक्शन यूज कर सकते हैं। ये सारी क्लासेस आज के हमारा मोटिव था, उम्मीद करता हूँ जनाब आज की क्लास आपको समझ में आएगी। क्लास रिलेटेड अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप उससे पूछ सकते हैं।